अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, हैदर डिवाइन गोड। तो दोस्तों, बहुत दिनों से जो है बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि डेली रूटीन पे वीडियो बनाएं, और मैं कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो क्या होता है कि सुबह से शाम तक पूरी डिटेल में वीडियो बन नहीं पा रही। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, वो भी आप लोगों को दिखा भी दूँ, लेकिन मैंने सोचा इससे बेहतर है आप लोगों को एक दफ़ा गाइड कर दूँ किस तरह से मैं अपने बकरों को जो है सुबह से रात तक उनकी डेली रूटीन है, और किस तरह से वो जो है अपना लेके चलते हैं, मतलब सुबह में क्या देता हूँ, फिर किस तरह से देता हूँ। सबसे पहले तो जो पानी है दोस्तों, वो 24 आवर जानवरों के पास होना चाहिए। अगर 24 आवर जानवरों के पास पानी नहीं होगा गर्मी में, तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे उनको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे उनको बहुत सारी और बीमारियाँ हो सकती हैं, और वो वेट गेन भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उनको टाइम से पानी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पानी टाइम से नहीं मिलेगा तो बकरा जो है आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सही है। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब सब सुबह में मेरा क्या रूटीन होता है, ख़ासतौर से गर्मी में क्या रूटीन होता है। गर्मी में रूटीन होता है सुबह में कि कोशिश करें सुबह से आपने जानवरों को देना है हरा। सबसे पहले हरे में इस टाइम सबसे अच्छा जो चीज़ है वो जंतर है। जंतर आपने देना है। जंतर के साथ आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं है खाने का। जंतर के साथ आप ये कर सकते हैं कि जंतर के साथ आप उसको कोई हैवी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि काला चना दे सकते हैं, या गंदम जो है घी में मिला के दे सकते हैं। और कोशिश करें सुबह के वक्त ही ये चीज़ें दी जाए, ज़्यादा बेहतर है। घी में मिला के गंदम दे सकते हैं, काला चना दे सकते हैं, चने की दाल लोबिया दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुबह के वक्त में काम आ सकती हैं आपके। सही। और आपने देना है इस तरह से कि हरा देना है, और साथ में एक हैवी डोज दे देनी है, ताकि वो जानवर के पास जो है एक जो वेट गेनिंग के लिए कार्ब्स जो है पूरे हो जाएं उसके। जब कार्ब्स पूरे हो जाएंगे, सुबह में आपने उसको हरा भी दे दिया, तो अब देखिए वाटर कंजप्शन भी उसकी पूरी हो गई, कार्ब्स भी उसके पूरे हो गए। अब क्या करना है, दूसरे टाइम में हमने क्या करना है, दूसरे टाइम में हमने ये करना है, जब वो सेकेंड टाइम हो जाए, जब दाने का टाइम आए दूसरे, तो हमने मिक्स दाना, जो मैं मिक्स दाना देता हूँ अपने बकरों को, वो मिक्स दाना लगाना है, ताकि उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो टाइम बचता है, सेकंड ये कि बकरों में ये होता है कि आपने मिक्स दाना दिया तो थोड़ा सा वो सस्ता भी पड़ जाता है आपको। उसमें मैं क्या मिलाता हूँ आपको पता है, अभी गर्मी आ गई, जौ बला दिया है मैंने, छिलका चने का, जौ, दलिया गंदम का, और मकई, ये चार चीज़ें मैं मिक्स करके दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि छिलके से इनको फाइबर मिल जाता है, सही है, काव्स मिल जाते हैं, प्रोटीन गंदम से इनको मिल जाता है, और दलिया जो होता है वो हज़म करने में भी आसान होता है। सही है। अब आपने ये मैनेज करना है, ये आप आपने सोचना है कि आपने काला चना किस तरह देना है, और आपने एक दिन जैसे जो मैं बता रहा हूँ सुबह में गंदम देना है वो किस तरह से देना है, घी में भिगो के, या घी में, या बगैर घी के भी दे सकते हैं, या आपने जो है चने की दाल भिगो के देनी है, या कोई भी चीज़ जो आपने देनी है वो किस तरह से किस रूटीन में रखनी है, वो आपको देखना है कि आपके बकरे का हाजमा सही रहे। हाजमा सही रहेगा आपका बकरा जो है दोस्तों पूरी तरह से सही रहेगा। अगर हाजमा सही नहीं रहेगा बकरा जो है वो आपका नहीं चल पाएगा सही। सही है दोस्तों, ये चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब मिक्स दाना आपने दे देना है बकरों को, मिक्स दाना अगर आप लगा चुके हैं, तो आपने ये करना है मिक्स दाने के साथ साथ कि उसको बकरों को, अब आ गया फार्मूला कि भाई फार्मूला कौन सा देना है। अब देखना यह है कि बकरा क्या कंडीशन में है, किस कंडीशनिंग में आ गया है बकरा, अब उसका खाली वेट गेन करना है, या आपके बकरे को सूट क्या चीज़ करती है। अब ये गर्मी आ गई है, इस गर्मी में दही तेल सबसे बेस्ट है, लेकिन अभी बारिश है कराची में, थोड़ा सा मैंने बोला सबर कर जाए, बारिश से ज़रा गुजर जाए, उसके बाद दे दिया, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, फिर बारिश में अगर ठंडी हवा चल गई तो जानवर को जो है बुखार, नज़ला, खांसी जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आपने ये देखना है कि उसकी जगह दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में आप घी मिला सकते हैं, अगर घी नहीं मिला रहे तो आप मक्खन मिला सकते हैं, जैसे जिन जो बकरे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इनका मैदा ज़्यादा गर्म रहता है, गर्म होने की वजह से मैदा वो दाना नहीं खाते, तो उनको आपने मक्खन मिला के देना है दूध में, चाहिए। और जो बकरे आराम से हज़म कर लेते हैं घी, तो उनको आपने जो है घी देना है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने दोस्तों देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से आपने, किस कंडीशन में आपका बकरा है, जो आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ज़रूरी नहीं है पूरे हफ्ते आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन कोई चीज़ दे सकते हैं, एक दिन छोड़ दिया फिर एक दिन दूध और मक्खन दे दिया, एक दिन गैप कर लिया फिर दही और तेल दे दिया, इस तरह से गैप कर करके आप चीज़ें दे सकते हैं, इंशाल्लाह जानवर पे फ़र्क आता रहेगा। आपने जो चीज़ करनी है वो मेन काम यह है, जो वैक्सीन मैंने आपको बताई थी आइवरमैक स्किन की इंजेक्शन, वो लाजमी लगाने, देखेंगे बकरे पर क्या होगा, बकरे के बाल झड़ना शुरू, ख़त्म हो जाएंगे, और जो शाइन है ना, शाइन आएगी, और ये देख रहे हैं ये खाल में जगह आएगी जानवर के, जब खाल में जगह आएगी जानवर ऑटोमेटिक अपना वेट गेन करना शुरू कर देगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी क्या होगा, अभी आपको लगेगा यार बकरा वेट गेन नहीं कर रहा, अभी आपको लगेगा कि यार इतने पैसे ज़ाया हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने फॉर्मूले दे रहा हूँ, लेकिन वेट गेन नहीं कर रहा। अभी आप देते रहें, करते रहें मेहनत, इंशाल्लाह बकरा इससे पहले 15-20 दिन पहले आपका बकरा अपनी रंग में आ जाएगा, समझ रहे हैं।
अचानक से कुछ तो कुछ भी नहीं होता, 4-6 महीने मेहनत करते हैं तो फिर कहीं जाके थोड़ा सा रिजल्ट आता है। सही है, जो दोस्त आप देखते हैं ना बकरे जो फार्म्स में बकरे हैं या जो बड़े बड़े लोग बकरे पालते हैं वो ऐसे नहीं पल जाते हैं, वो एक तो पहले वो बकरे दो दो दांत चार चार दांत के बाद उठाते हैं, फिर उनको उसके बाद खस्सी करते हैं, उसके बाद उन पर मेहनत शुरू करते हैं, आधे साथ वो फ्राई वाले होते हैं, फिर स्ट्रॉइड्स लगते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें। इसके साथ साथ अगर कोई नहीं भी कुछ कर रहा तो वो क्या होता है, उनकी बकरों की एज होती है। हम जो बकरे पालते हैं कराची वालों की जो मैंटेलिटी है वो डिफरेंट है पंजाब से। पंजाब में फिर ये लोग समझते हैं कि यार दो दांत का, चार दांत का, छः दांत का बकरा बुड्ढा नहीं होता, लेकिन कराची वाले समझते हैं छः दांत का बकरा जो है वो, छः दांत का तो मतलब अगर आप किसी को बताओ छः दांत का बकरा तो वो समझता है कि यार अब तो इसके बाद 1 साल रह गया, जबकि वो बकरा अब जवानी पे आया होता है। वो बकरा अब जैसे हमारा नॉर्मल जवान हम लोग होते हैं, हमारी एज होती है 24-25 साल की, ऐसा वो बकरा होता है जब 6 दांत का होता है, 8 दांत का होता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी पड़ी होती है 6-7 साल की, 8 साल की। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट बना लिया अपना दिमाग का कि नहीं यार ये तो बस अपना अब इतने दांत का हो गया तो ये बेकार हो गया, अब इस पे जो है वो मेहनत करना बेकार है। सही दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आपने अपने दिमाग से निकालना है। अगर आपने बड़े बकरे बनाने हैं तो अब ये बकरा जो है ना ये 2 दांत का हुआ है, अब ये अगले साल के लिए है मेरे, अभी मैं इसको जो फॉर्मूला दे रहा हूँ जो आपको वीडियो में दिखाता हूँ वही दे रहा हूँ, उसके अलावा मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी काम करने की इस पर, क्योंकि अगले साल के लिए है। अभी तो इसने दांत तोड़े हैं, अब दांत निकाले हैं, अब ये अपनी कंडीशन पे आएगा बनने वाली, समझ रहे हैं। और इस टाइम लोग कुर्बानी कर देते हैं इसकी कराची में खासतौर से, तो आप लोगों को बुरी लगे बात या अच्छी लगे, सच यही है कि बहुत कम लोग समझते हैं बकरों को कि बकरा 2 या 4 दांत के बाद बनाना चाहिए। सही दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको आसानी के लिए पूरी सुबह से लेकर शाम तक की वीडियो बना के भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में, ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।